हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। कितनी हरी हरी बढ़िया ताज़ी ताज़ी पालक है, तो आज मैं इसका निमोना बनाऊँगी। पालक का निमोना मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले इसको बॉयल कर लूँगी। मैंने पानी चढ़ा दिया है कढ़ाई में, गर्म हो चुका। अब इसको मैंने डाल दिया इसमें, थोड़ा 5 मिनट में बॉयल हो जाएगा। इसको ढक दीजिए 5 मिनट में, फिर ये हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको आप छान लीजिए, पानी से अलग कर लीजिए पालक को। और बहुत सारे तत्व इसमें आ जाते हैं पानी में, तो इस पानी को फेंकना नहीं है, रख लेना है, बाद में ये काम आएगा। और ये पेस्ट बनाना है टमाटर का, पालक का अलग अलग, और अदरक और मिर्च का एक साथ बनाना है। ये देखिए पेस्ट बन चुका है पालक का, और ये टमाटर का पेस्ट है। इसको मैंने इसी पालक वाली जार में पीस लिया था, तो इसलिए इस कलर का हो गया है। ये अदरक और लहसुन और हरी धनिया मिर्चा का पेस्ट है, और ये सारे मसाले हैं। ये दालचीनी, हींग है, जीरा है, 4 बॉयल आलू हैं मीडियम साइज़ के, तेज़पत्ता है, और थोड़ी सी हरी मटर, और ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला है थोड़ा सा, और ये हरी मटर भी है। अब हम तड़का लगाएंगे। सबसे पहले हींग डालेंगे इसमें, उसके बाद दालचीनी एक टुकड़ा, फिर तेज़पत्ता डालेंगे। इसमें मैंने पेस्ट जो हमने पीस के रखा है ना, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची धनिया का वो डाल देंगे ये सब। और मैं जीरा डालना भूल गई थी, तो ये देखिए मैंने किनारे करके फिर मैं जीरा डाल दिया है, और हो जाएगा इसी में। ये देखिए हो रहा है, और ये थोड़ा तेल छोड़ देगा, तब इसमें मसाला डाल देंगे, वही हल्दी धनिया और सब्जी पाउडर वाला मसाला है। तो 2-3 मिनट भून के फिर ये जो पालक का पेस्ट है वो डालते हैं। इसको थोड़ी देर भूनना है, और थोड़ा सा जब कलर चेंज हो जाएगा तब समझिए कि ये जो है हो चुका है। ये देखिए कलर इस कलर का हो गया है, इसका कलर। अब इसमें जो पेस्ट बना के रखे थे उसका टमाटर का वो डाल देंगे। इसको थोड़ी देर भूनना है धीरे धीरे। ये देखिए इस कलर का हो गया, ये भूनते भूनते थोड़ा तेल भी छोड़ दिया है, तो ये हो चुका है। अब इसमें हम मटर डालेंगे हरी वाली, और आलू जो बॉयल करके रखा था मैंने वो डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है 3-4 मिनट, ये भी भून जाएगा। थोड़ी देर भूनना है, उसके बाद इसमें जो है ये देखिए तेल छोड़ा थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। अब इसमें वही पानी डाल रही हूँ जो पालक बॉयल किए थे, वो रख दिया था मैंने, वो पानी इसमें डाल रही हूँ। ये पानी फेंकने नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा तत्व होते हैं, प्रोटीन विटामिन सब इसमें होता है, इसको फेंकना नहीं है, इसको यूज़ कर लेना है। और जो बच भी जाए तो उससे आटा का डो तैयार कर लेना है। नमक डाल दिया मैंने 1 चम्मच, और ये अगर आपके पास मीट मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। मेरे पास रखा था, ये मैंने डाल दिया है। और अगर आपके पास ना हो तो गरम मसाला ही डाल सकते हैं, लेकिन मीट मसाला बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ियों में, तो मैं डालती हूँ, हमेशा यूज करती हूँ। ये देखिए 5-7 मिनट में बॉयल आ चुका है। आप चाहें तो इसको और पतला बना सकते हैं, चाहे तो और ठीक बना सकते हैं। और ऊपर से इसमें 1 चम्मच देसी घी, या तो अगर आपके पास बटर हो तो बटर भी डाल सकती हैं। ऊपर से डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें घी का। बहुत स्वादिष्ट बनता है ये। और उसके बाद ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दीजिए।
आजकल तो धनिया की पत्ती बहुत अच्छी आ रही है बाजार में। देखिए बन के एकदम तैयार हो चुका है मेरा पालक का निमोना, कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और जो है इस तरफ मैंने चावल भी बना लिया था, उसमें मैंने मटर डाला था, जीरा डाला था, लौंग, इलायची ये सब डाल के बनाया था, इससे बहुत अच्छा लगता है ये चावल। और देखिए मैं अब खाने जा रही हूँ चावल और निमोना पालक का। ये पालक का निमोना चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे चावल के साथ बहुत पसंद है। ये कितना टेस्टी लग रहा है, तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है।